मटन बिल्कुल फूल गए हैं, मटन जब फूल जाए तो आपका जो है इसको थोड़ा सा हम टेस्ट करने के लिए, जो हमारा देसी तरीका है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि ये पका है कि नहीं, क्योंकि गर्म है तो थोड़ा सा यही पानी में डाल दूंगी, तो देख सकते हैं। देखिए मटन जो है गलने लगा है। देखिए मटन टूट रहा है, कौन सा मटन जो है गलने लगा है। मैं हूं लीना किचन, मैं हूं लीना। आज स्पेशल रेसिपी बनने वाले हैं और मेरे पास, मैं पहले भी इंट्रोडक्शन दे चुकी हूं, तो हमारे पास दो दो जो है फूड ब्लॉगर फाउंडर हमारे शशि जी और सनी जी साथ में हैं। आगे तक आप लोग बने रहेंगे और इन लोग भी जो मेरे स्पेशल रेसिपी को शूट करने आए हुए हैं, तो स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूं। और मेरी थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए कि आपने हमें इतना अच्छा अच्छा रेसिपी दिखाया जो पता नहीं हम लोग कब से ट्राई कर रहे थे कि कुछ ऐसा दिखे, और फाइनली जो बनते देख रहे हैं ना भाई, अल्टीमेट स्पेशल मटन बनने वाला है। तो इसको पहले अभी हम नहीं धोएंगे। सबसे बड़ी बात, आप जब भी मटन बनाए तो मटन को नहीं धोना है। मटन जब भी धोए, जब हम मतलब मसाले का तड़का लगा लेंगे तभी आप मटन धोए। ये थोड़ी थोड़ी टिप्स मैं अपने मतलब किचन में देती रहती हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है मसाले में दिखा देती हूँ, मटन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास मसाले हैं। और मसाले में है, ये मेरा मेजरमेंट हर समय स्पून से रहता है, तो एक बड़ा चम्मच हल्दी है, एक बड़ी चम्मच जो है तीखी वाली लाल मिर्च है, आप अगर तीखा खाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, एक चम्मच धनिया पाउडर है, एक चम्मच जीरा पाउडर है, और ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये गर्म मसाले पाउडर है, ये काली मिर्च पाउडर है, और ये तेजपत्ता है, और सारे बोल स्पाइसेस है, इसको थोड़ा सा हमने क्रश किया है, और मेरी किचन की फेवरेट जो है सूखी लाल मिर्च है। ये इसलिए ना कि इसमें विटामिन सी भी होती है, बहुत सारे इसमें जो है ना गुण रहते हैं, और खास करके नॉनवेज के लिए ना आप इसका तड़का लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है ना। तो और उसके लिए देखिए ये 500 ग्राम प्याज है, तो हाफ प्याज को हम थोड़ा सा ये डिवाइड कर लेते हैं। तो आगे की प्रोसेस के लिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्योर सरसों का तेल। जब भी आप मटन चिकन बनाएं तो सरसों का तेल में, क्योंकि बिहारी जो भी हम लोग बनाते हैं स्पेशल रेसिपी, तो सरसों का तेल हम लोग जरूर डालते हैं। तो मटन बनने का प्रोसेस कैसे बनता है सब कुछ दिखाते हैं आपको। हाँ, तो थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म हो रहा है, तो थोड़ा सा जब भी मटन आप बनाए, मटन को बहुत ज्यादा धोना नहीं है, नहीं तो इसका फिर जो स्वाद है ना वो एकदम निकल जाता है। तो चलिए देख रहे हैं ना, मैंने हाफ डिवाइड किया है, तो हाफ यहाँ पे लगा देंगे, हाफ हम रहने देंगे, तो अभी निकाल दीजिए आप। हाँ बस, हाँ और हाफ हम रहने देंगे, पहले इसको प्याज डालो। हाँ बस। तो गाइस आपने कभी देखा है इस तरीके से बनता है मटन कभी? हाँ। यहाँ पे प्याज तो पहले ही डाल करके मैरिनेट कर रहे हैं। हाँ, और आधा प्याज अभी हम नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। हाँ, तो चलिए तेल भी गर्म हो गया है, तो इसमें हम इसको डाल देते हैं। डालोगे पहले प्याज फ्राई करो? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। मटन और प्याज जो है गर्मा गर्म सरसों के तेल में आने लगा है, अच्छा खासा झांस दे रहा है एकदम। देखिए बहुत ज्यादा हमने हल्दी नहीं डाला है, बहुत ज्यादा प्याज भी नहीं, बस थोड़ा सा हमको मटन को है ना डबल फ्राई मटन दिखा रहा है, तो ये जो है ना डबल फ्राई। और बहुत ज्यादा हम नहीं भूनेंगे, क्योंकि मटन आप बहुत ज्यादा अगर फ्राई कीजिएगा तो थोड़ा सा वो जो है ना जल्दी पकता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम प्याज थोड़ा सा इसमें गल जाए उसके बाद इसको हम निकाल देंगे। तो ये होता है बस 5 से 10 मिनट, तो 10 मिनट बाद दिखाते हैं कि इस बात से क्या करती है। हाँ के समय में मम्मी लोग पकाती थी ना, तो इसी तरह करके सीटी लगा देती थी, और उसके बाद इसको निकाल करके और फिर सारा मसाला सान के डाल देती थी। तो ये सब जो है ना मटन जो बन रहा है, ये सब देसी तरीका है, जो हमारे समय में दादी और मम्मी लोग बनाती थी, तो वही तरीका फिर से मैं अपने किचन में लेकर के आई हूँ। 5 मिनट। हाँ बस इसको निकाल लेना है, मटन को फिर हम निकाल लेते हैं। तो गाइस ये देखिए, इसके अंदर में लड भी है, मटन का पीस भी है, और ये चटनी भी है। ये कहाँ छुप जाता है देखिए। फिर से इसमें सरसों काटे, बहुत सारा कमेंट्स आता है कि आप अंकल को बहुत ज्यादा तेल खिलाती हैं, लेकिन मटन चिकन में जब तक तेल ना हो तो उसका स्वाद अच्छा नहीं, मजा नहीं आता है, तो तेल को थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं। अब आ रहा है धीरे करके सारा खड़ा मसाला इसके अंदर में। हाँ, सारा खड़ा मसाला हम हो गया, तो इसमें जो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को जो क्रश किया था उसको डाल देना है, और इसको एकदम लाल करना है। बहुत सारे ऐसे टिप्स होते हैं मटन बनाने में, तो इसको एकदम लाल हो जाने कर लेना है। देखिए
वाह, बहुत तेज झाग निकल कर रहा है यहाँ से। सरसों तेल का मतलब सरसों तेल जो है ना आपका? हाँ, प्योर कच्ची घानी का है। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि थोड़ा सा ये इसको एकदम लाल कर लेना है, जिसका जो है ना मटन में एकदम बहुत अच्छा फ्लेवर है, थोड़ा सा एकदम लाल कर लेना है। देखिए लाल हो गया। अब जो आधे प्याज है उसको हम डाल देंगे। भाई साहब अब प्याज आ गया इसके। और एक चीज मैं बता रही थी कि प्याज को हम लहसुन की तरह लाल नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि हमें कढ़ाई में मटन पकाना है, तो मटन पका हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। चलिए प्याज बिल्कुल बस हो गया है और सारे मसाले हम डालेंगे। दिखाती हूँ, इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे। पानी डालने से क्या होता है ना कि ये सारे प्याज में ये अच्छी तरह से फ्लेवर है। मैं हाथ से ही दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा बन रहा है। हाँ। और बहुत ही शानदार सा वीडियो होने वाला है। अगर आप नए हैं वीडियो पे तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उसमें मुझे ही नहीं। हाँ। इसके अंदर में आ रहा है और प्याज है, मटन का पीस है, नल्ली है, चर्बी है, सब कुछ धीरे धीरे करके इस कढ़ाई के अंदर। नल्ली है इसको भी दिखाइए, आपका जो फेवरेट है आप लोगों का। तो आई थिंक मटन खाने वाले हर लोग ना चर्बी नल्ली। हाँ, इसीलिए मैंने कहा देखिए ये भी लाए है? और एक चीज ये भी है देखिए। अच्छा, बॉडी बहुत सुंदर, शार्प पीस लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे भी लगता है कि अगर वो पानी आ जाएगा क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसी का पानी देखिए। वाह भाई, इसको अच्छी तरह से चला लेना है और उसके बाद हम इसे हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। लेकिन नमक ऑलरेडी पहले से हमने डाला है तो आप उतना ही डालें। में नमक है तो उसी के अकॉर्डिंग हम डालेंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि स्वादानुसार नमक यूज कीजिए, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है कि नमक कम खाते हैं या अधिक खाते हैं। विंटर का समय आ गया है तो अभी जो है मैं लहसुन डालूंगी इसमें। देखिए आप जितना लहसुन डाल सकते हैं। बस अब क्या करना है ना, एक बार अच्छी तरह से चला ले। अब क्या करना है कि बस गैस का फ्लेम को एकदम लो कर देना है और बस आधे घंटे के लिए आप आराम से चाय कॉफ़ी पिए और मटन को एज इट इज छोड़ दें। मटन बिल्कुल जो है ना प्याज में पकता रहेगा और बिल्कुल जो है ना मटन का प्याज कभी अब तेल में लाल भून के नहीं निकाले, मटन के साथ गलाएं तो ये कढ़ाई में बहुत जल्दी पकता है। आपको कुकर में पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा खड़ा प्याज नजर आ रहा है और जब प्याज पूरी तरह से ये गल जाएगा तो समझिए कि आपका मटन पक जाएगा। तो देखकर के बिल्कुल जो है ना देहाती मटन बनाते हैं और कढ़ाई में बनाते हैं। बस इसको ढक देना है। जब आपका प्याज बिल्कुल गलेगा साथ साथ मटन भी गलेगा, हाफ कुक हो गया है। और मिलती हूँ 10-15 मिनट के बाद, फिर से इसको हम ढक देते हैं। मटन बिल्कुल फूल गए हैं। मटन जब फूल जाए तो आपका जो है देखिए इसको थोड़ा सा हम टेस्ट करने के लिए जो हमारा देसी तरीका है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि ये पका है कि नहीं, क्योंकि गर्म है तो थोड़ा सा यही पानी में डाल दूंगी तो देख सकते हैं। देखिए मटन जो है गलने लगा है। देखिए मटन टूट रहा है, मटन जो है गलने लगा है। देखिए मटन बिल्कुल है, मटन बिल्कुल गल गया है। और 10 मिनट के बाद जो है छोले ले लगाते हैं। और आज फाइनली उनके किचन में आए हैं देखने के लिए ब्लैक खसी का मटन। अंकल बहुत दूर जाते हैं स्पेशली सिर्फ उस मटन के लिए और बहुत शौकीन है जैसा कि बता रहे थे हमें। तो सारे पे कटता उसी से लेते हैं। बिल्कुल, अब मतलब अपने सामने कटवाते हैं ना, सब कुछ अपने सामने कटवा उठवा के लाते हैं। और खाने के शौकीन भाई साहब दिख रहा है, ये टेस्ट, ये कलर दिख के ना, ये कलर देख के लग रहा है कि भाई साहब यहाँ पे ना सब लोग बहुत खाने के शौकीन है। बाकी देखते हैं इसको टेस्ट करके कैसा लगता है। कीजिए। और ये मटन मेरा फाइनली बन गया है। और फाइनली मेरा मटन डिलीशियस मटन बनकर के तैयार है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट्स ज़रूर देंगे। और फूडी चैनल के तहत मेरे मतलब पूरे पटना में मेरी जो रेसिपी है तो आप लोग भी देख रहे हैं, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए सनी जी से ही पूछते हैं कि मेरा मटन बनकर के कैसा तैयार हुआ है और कितना डिलीशियस बना है। ये
चीजों को चढ़ेंगे टेस्ट। एक बार दिखाते हैं आपको पहले मटन हम यहाँ पे एक बार देखिए रोगन दिखाते हैं पहले आपको हम, उसके बाद जो है चीजों का करेंगे टेस्ट। एक बार रोगन देखिए, मतलब ऐसा मटन आपको पूरे पटना में कहाँ मिलता है आप मुझे एक बार कमेंट कीजिएगा। आई थिंक आप कमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसा मटन जो कहीं मिलता है। रोगन देखिए, मतलब ऐसा मटन आपको पूरे पटना में कहाँ मिलता है आप मुझे एक बार कमेंट कीजिएगा। आई थिंक आप कमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि ऐसा मटन जो कहीं मिलता है।